नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे काला गेहूं के बारे में। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे दुनिया भर के लोग खान पान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक ऐसा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और किसानों की आमदनी का भी इजाफा करे। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को काला गेहूं पैदा करने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। सामान्य तौर पर इसकी बुआई नवंबर में होती है। दिसंबर में इसकी बुआई करने पर गेहूं की पैदावार 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जनवरी में इसकी बुआई करने पर 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की कमी होती है। इस प्रजाति का सामान्य उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा होता है। सोने जैसे दिखने वाला गेहूं अब काले रंग में खेतों में लहराता हुआ दिखाई देता है। कई वर्षों की मेहनत के बाद गेहूं की इस नई किस्म को पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फ्रूट बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि नावी ने विकसित किया है। आपको बता दें कि नावी के पास इसका पेटेंट भी है। इस गेहूं की खास बात यह है कि इसका रंग काला है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस गेहूं में कैंसर, डायबिटीज, तनाव, दिल की बीमारी और मोटापे जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं काला गेहूं के बारे में। यह एक साबुत अनाज की तरह एक बीज होता है जिसका भोजन के रूप में सेवन किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह अन्य अनाजों की तरह घास पर नहीं उगते हैं। आइए अब जानते हैं इसके फायदे। काले गेहूं के सेवन करने से दिल की बीमारी के होने का खतरा कम होता है क्योंकि काले गेहूं में ट्राइग्लिसराइड तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम उच्च मात्रा में पाया जाता है जिसमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बनाए रखने में वो मदद करता है। काले गेहूं का नियमित सेवन करने से शरीर को सही मात्रा में फाइबर मिलता है जिससे पेट के रोगों को खासकर कब्ज से लाभ मिलता है। काले गेहूं में मौजूद फाइबर से पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन संबंधित समस्याओं के अलावा पेट के कैंसर से भी निजात मिलता है। काले गेहूं के नियमित सेवन से शरीर में उच्च कोलेस्ट्रॉल में उपयोगी होने के अलावा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में कारगर होता है। यह मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए सबसे उपयोगी होता है। इसके सेवन करने से रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इसके सेवन करने से आंतों में होने वाले संक्रमण से बचा जा सकता है। यह शरीर में नए ऊतकों यानी कि टिश्यू के विकास में काफ़ी मददगार होता है। काला गेहूं में असंतृप्त बसी अम्ल और फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है। ऐसे नियमित रूप से काले गेहूं का सेवन तब उपयोगी होता है जब वह रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के उच्च रक्त पर मौजूद होता है। यह LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में प्रभावी साबित होता है। हम ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।